नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इमित्र सीएससी हेल्पलाइन में। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी रिफंड के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप एनटीपीसी रिफंड के लिए आवेदन किस प्रकार से कर सकते हो, इसके बारे में कम्प्लीटली जानकारी लेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आपको रिफंड का आवेदन करते समय दस्तावेज की जरूरत पड़ने वाली है। हम सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, एक तो आपने जो एग्जाम दिया था उस टाइम आपको जो एडमिट कार्ड मिला था उस एडमिट कार्ड की, क्योंकि उस पर एक रोल नंबर लिखा हुआ है, उस रोल नंबर की आपको जरूरत पड़ने वाली है। या फिर कहीं आपने दूसरी जगह रोल नंबर लिख के या फिर सेव करके या फिर किसी भी प्रकार से रखा है तो उस रोल नंबर की हमें जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ साथ में आपको एक बैंक पासबुक की जरूरत पड़ेगी, जिस बैंक पासबुक में आप है जो आपका रिफंड लेना चाहते हो, चाहे किसी का भी बैंक हो। बैंक ज़्यादातर स्टूडेंट का ही होना चाहिए, जो उसने आवेदन किया है, जो आवेदन करता है उसी के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसी के अकाउंट में जो पेमेंट रिफंड आएगी। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा कि हमारा एडमिट कार्ड गम गया, खो गया, हमें रोल नंबर नहीं पता। तो इसके लिए आपको आपका एडमिट कार्ड ढूंढना ही पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। अगर आप आपका एडमिट कार्ड नहीं ढूंढोगे तो तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपको इसी को ट्रिक आती है या फिर ऐसा कोई तरीका आता है जिससे आप आपका रोल नंबर निकाल सकते हो तो मैं ज़रूर वीडियो बना के बताऊँगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। इसके लिए आपको एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, रोल नंबर के लिए आपको एडमिट कार्ड लेना ही पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। कि जब आप आवेदन करोगे तो उसमें आपको पूरी डिटेल सही से फिल करनी है, कोई भी डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डिटेल गलत हो जाती है तो सही करने का अभी तक भी कोई ऑप्शन नहीं आया है। कोई ऑप्शन आएगा तो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऑप्शन नहीं आया है। हो सकता है बाद में कोई ऑप्शन आ जाए तो आपको बाद में अलग से वीडियो बना के बता दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एनटीपीसी फीस रिफंड के लिए सिर्फ वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था वो फीस रिफंड के लिए आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो नोटिफिकेशन ये बात साफ साफ लिखी गई थी, जो एग्जाम देगा उसी की फीस रिफंड होगी, जो एग्जाम नहीं देगा उसकी फीस रिफंड नहीं होगी, और जो एग्जाम क्लियर कर लेगा उसकी भी फीस रिफंड जो नहीं होगी। जिसका एग्जाम क्लियर नहीं होगा और जिसने एग्जाम दिया था सिर्फ उसी की ही फीस रिफंड होगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देख लेते हैं आपको फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। प्रारंभ करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, 80% वीडियो तो पूरी देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उन सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई इस प्रकार की नई वीडियो लेके आऊंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों, आपको एनटीपीसी रिफंड के लिए इस एप्लीकेशन पे आ जाना है, यानी कि इस लिंक पे आना है। आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, डायरेक्ट इस लिंक पे आ जाना। सबसे पहले यहाँ पर आपको रोल नंबर लगाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लगानी है, और उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP आया हुआ होगा, ईमेल आईडी और मोबाइल पे, तो वो यहाँ पर लगाना है। अगर आपके पास में OTP नहीं आया हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, डू नॉट रिसीव्ड OTP चेकबॉक्स, तो आपको इस चेकबॉक्स पर ओके करना है। जैसे ही आप इस चेकबॉक्स पे ओके कर देते हो तो यहाँ पे देखिए 10वीं का रोल नंबर और फादर नेम भी मांगता है, तो यहाँ पर आपको 10वीं का रोल नंबर और फादर नेम डालना है, और यहाँ पर आपको जो यहाँ पे कैप्चा कोड दिखाई दे रहे हैं वो फिल करने हैं। आपको इस प्रकार से पूरी डिटेल फिल करके उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन पे ओके करोगे तो इस प्रकार से एक डैशबोर्ड पेज आपके सामने आएगा, और यहाँ पर देखिए आपकी डिटेल दिखाई दे रही है, जैसे आपका रोल नंबर हो गया, नाम हो गया, माता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, पिता का नाम हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्लीज़ इंटर ऑल डिटेल इन द स्क्रीन केयरफुली। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि आप जो डिटेल इंटर कर रहे हो उसको ध्यानपूर्वक इंटर करना है, बाद में आप इसमें चेंज नहीं कर सकते एक बार इसमें सक्सेसफुल होने के बाद में। तो यहाँ पर आपको ब्रांच नेम, यानी देखिए बैंक नेम पूछ रहा है, तो बैंक कौन सा है वो भी बैंक यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद ये आपसे बोल रहा है कि अकाउंट होल्डर का नाम, IFC कोड, अकाउंट नंबर, उसके बाद कन्फर्म अकाउंट नंबर, उसके बाद ब्रांच, ये सब डाल के आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर इस प्रकार से आपकी पूरी डिटेल फिल करनी है, पूरी डिटेल फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे ओके करते हो तो इस प्रकार से आपके सामने है जो एक नया पेज आ जाता है। तो देखिए आपके सामने इस प्रकार से जो नया पेज आता है, इसमें आपको डिटेल दिखाता है, जैसे आपका अकाउंट नंबर, IFC कोड, बैंक में जो नाम था वो, बैंक का नाम, माता पिता का नाम, सब कुछ डिटेल आपको यहां से कंफर्म कर लेनी है। अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे ओके करके एडिट कर सकते हो, अन्यथा आपको जो इसको कंफर्म एंड सबमिट करना है। नीचे एक बात यह है कि बेस्ट जो आप ब्राउज़र यूज करते हो उसके लिए फायरफॉक्स, क्रोम एंड आपको जो इंटरनेट एक्सप्लोरर वो यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। तो आपको पूरी जानकारी के लिए आपको चेकबॉक्स पे ओके करना है, यहाँ पे जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है डिक्लेरेशन वाला, उसके बाद आपको कन्फर्म एंड सबमिट करना है। जैसे ही आप कन्फर्म एंड सबमिट करते हो
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको दी गई वीडियो में जरा सी भी जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो है तो शेयर कीजिए ताकि जिन्होंने भी अब तक रिफंड के लिए आवेदन नहीं किया है वो जितना जल्द उसके रिफंड के लिए आवेदन कर दे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मिलेंगे नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।